Hello glorious family, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. In today's video I am reviewing a product. बहुत सारे लोगों को ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत सारे लोगों को क्या हम में से हर एक को ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है. और मैंने एक रिव्यूइंग वीडियो की थी कि जिसमें मैंने जो रिवाज की नोज़ स्ट्रिप्स थी उन पर रिव्यू किया था. बट कोई एक इस तरीके का पील ऑफ मास्क वगैरह भी होना चाहिए कि आपने बस उसको अप्लाई किया और जब आपने उसको रब किया तो आपको इजीली फ़र्क पता चला और फ़ौरन से रिजल्ट्स मिल गए. ठीक है, बिकॉज इट्स हार्ड कि आप छः उसमें छः स्ट्रिप्स होती हैं जो रिवाज का जो मैंने नोज़ स्ट्रिप्स का रिव्यू किया था उसमें छः स्ट्रिप्स होती हैं. इफ़ दोज़ स्ट्रिप्स वुड बी एंडेड सो आपको जाकर लेकर आनी है और वो हर जगह ईजिली अवेलेबल भी नहीं होती. ठीक है जी, तो जो प्रोडक्ट आज मैं रिव्यू कर रही हूँ वो कर रही हूँ दिस वन गोल्डन पर्ल का ब्लैक हेड रिमूवर मास्क. ठीक है जी, ये एक इस तरीके का मास्क है कि आपने इसको अपने ब्लैक हेड एरिया पे जहाँ पर भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ पर अप्लाई किया और 10 to 15 minutes या इसको सूखने तक का वेट किया और उसके सूखने के बाद इसको रिमूव किया, पील ऑफ किया, तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी. सही है जी, तो इस वक्त मेरी नोज़ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स हैं तो मैं आपके सामने इस वक्त आप इन फ्रंट ऑफ यू अप्लाई करती हूँ और फिर रिजल्ट भी आपके सामने दिखाऊंगी. ठीक है जी, सो अब चलते हैं मास्क की एप्लीकेशन की तरफ. ओके जी, इफ आई एम सॉरी वो थोड़ा अरबी में लिखा हुआ था, नहीं समझ आई. अच्छा जी, ये रही इसकी इंग्लिश में पैकिंग. अच्छा, ये गोल्डन पर्ल का मास्क है. पील ऑफ ये आपको इजीली किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा. अच्छा, इफ़ आई एम ओपनिंग दिस पैकिंग सो इस तरीके की ट्यूब निकलती है अंदर से. ठीक है जी, ये ट्यूब निकलती है और इसमें जो मास्क निकलता है ये बेसिकली चारकोल मास्क है, तो ये ब्लैक कलर का मास्क निकलता है. ये इस तरीके का मास्क निकलता है अंदर से. ठीक है जी, अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी नोज़ पर. मेरी नोज़ पर और इस तरह इस चिन पर थोड़े से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं. ब्लैक हेड्स तो नहीं होते, वाइट हेड्स होते हैं. तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ, रिजल्ट देखिएगा आप लोग. प्रॉपरली सूखने में ये मैंने थोड़ी सी थिक सी लेयर लगा दी थी, आपको इसकी बहुत थिन लेयर लगानी है. ठीक है, अब मैं इसको पील ऑफ करती हूँ और फिर स्किन देखिएगा आप. ठीक है, मेरी चिन पर थोड़े से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो तो ख़त्म नहीं हुए. ठीक है, ये अभी भी स्किन थोड़ी सी मतलब हुई है फिनिश, लेकिन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पता चल रहे हैं इफ़ आई एम रबिंग माई फिंगर. नोज़ के बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, नोज़ के मतलब ऐसे हो गए हैं कि नोज़ मेरी बिल्कुल स्मूथ हो गई है. ठीक है, तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी जो पैकेजिंग पर भी अगर मैं देखूं तो नोज़ और फॉरहेड को कवर किया हुआ है, तो फॉरहेड पे मेरे इतने होते नहीं है, तो फॉरहेड पे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, मेरे चिन एरिया पर होते. सो अगर मैं पैकेजिंग पर बात करूँ तो दे क्लेमिंग कि ये नोज़ के जो ब्लैक हेड और वाइट हेड होते हैं तो वो रिमूव करते हैं, तो वो तो इसने की है, लेकिन मेरे चिन पर थोड़े से हैवी किस्म के होते हैं तो वो ये नहीं कर पाया. ठीक है, इफ़ आपके जो वाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं वो थोड़े कम मिकदार में होते हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू क्लीन योर नोज़ सो इट इज़ अफेक्टेड.
इफेक्टिव, ठीक है। अगर आपको अपनी चिन के एरिया पे, जिस तरीके से मेरे बहुत ब्रॉडर और बहुत हैवी किस्म के वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वो तो इसने ख़त्म नहीं किए, ठीक है। नोज़ के लिए इफेक्टेड रहा और मेरी नोज़ जो है वो बिल्कुल बेबी सॉफ्ट टाइप की नोज़ हो गई, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सो इट्स टाइम टू लीव, मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगेन, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।